चौकी जेवर में बनने जा रहा है। ये एयरपोर्ट न केवल दिल्ली NCR बल्कि पूरे उत्तर भारत की ग्रोथ बढ़ाने का काम करेगा। जेवर जो इलाका काफ़ी पिछड़ी जगहों में से माना जाता था, यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट बनने से कायापलट हो सकती है। आपको बता दें, यहाँ के लोगों को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली पहुँचने के लिए कुछ किलोमीटर की दूरी कई घंटों में तय करनी पड़ती थी, पर अब जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद यह केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई तक से जुड़ने वाला है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जेवर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। अगले एक साल में जेवर की डायरेक्ट मुंबई से कनेक्टिविटी हो जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना पर लगातार काम कर रहे हैं। यह एक्सप्रेसवे 15 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि हरियाणा के बल्लभगढ़ से होकर गुजरेगा। बल्लभगढ़ और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, जिसकी वजह से 30 किलोमीटर तक की एक सड़क बनाई जाएगी और इस सड़क को बनाने के लिए जेवर के 5 गांवों से भूमि अधिग्रहण भी किया जाएगा। इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2021 को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य सरकार से जमीन मांगी थी। 30 किलोमीटर लंबी सड़क का 8.5 किलोमीटर गौतम बुद्ध नगर जिले में है, जिसके लिए 5 गांव जिनके नाम दयानतपुर, फैलदा बांगर, करौली बांगर और रामपुर बांगर हैं, इन गांव से 66.7 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया 10 मार्च के बाद से शुरू कर दी जाएगी और इस जमीन के लिए गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन किसानों को करीब 260 करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पर देगा। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 486 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब राज्य सरकार यह पैसा अथॉरिटी को भेजेगी, जिसके बाद अथॉरिटी की ओर से जमीन अधिग्रहण करने के लिए धनराशि गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन को दे दी जाएगी, जिसके बाद जिला प्रशासन किसानों से जमीन का अधिग्रहण करेगा और बदले में मुआवजा देगा, जिसके बाद ही सारी जमीन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सड़क बनाने के लिए दे दी जाएगी। जेवर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बदौलत इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने वाली है। अभी तो बस शुरुआत है, आने वाले 2-3 सालों में यहाँ वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, हाईवे बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और पार्क टैक्सी जैसी तमाम सुविधाएं विकसित हो जाएंगी। उन्होंने बताया, दुनिया भर की नामी कंपनियां जेवर आ रही हैं। मैंने पहले ही दिन से अपने किसानों को कहा था कि यह परियोजना हमारे आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बदल देगी। अब हमारा 20 साल पुराना सपना साकार होने जा रहा है।